हेलो गाइस ऑल, गुरुजी आपको पास हाजिर, क्योंकि आज आपको बताएंगे IRCTC रेलवे टिकट कैसे बुकिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, आपको दिखाएंगे जरूर आपको कैसे बुकिंग करना है। पहले आज आपको इंडियन रेलवे कुछ अलग सॉफ्टवेयर लेके आया है, जैसे आपको रेलवे टिकट बुकिंग करने वो सर्च कर दिया, क्योंकि देखिए आपको कैसे करना है। पहले लॉगिंग आईडी दे दीजिए, आपको IRCTC लॉगिंग आईडी है, तो लॉगिंग आईडी देने से बाद आपको इसमें आपको लॉगिंग आईडी देने से बाद देखिए आपको खुल जाएगी, बुकिंग नाउ में जा सकते हैं। क्योंकि आप इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यूज़र आईडी देने के बाद आपका देखिए आपका इमेज आ जाएगा नीचे। तो गाइस नीचे इमेज आ गए, इमेज यहां पर डालिए। इमेज डालने के बाद आपका साइन इन कर दीजिए। चलिए साइन इन कर दीजिए। साइन इन खोलने के बाद देखिए आपका जहाँ से जाना है, हम तो जाएंगे आसनसोल से आप न्यू दिल्ली। चलिए आसनसोल तो ऑटोमेटिकली आ गया, तो सिस्टम में ऐसे सिस्टम चेंज कर दिया आप, न्यू दिल्ली हम जाना है तो न्यू दिल्ली का आपको डाल दे रहा। तो गाइस आज को ज़रूर बताएंगे, तो इसमें बहुत सर्च कर दिया, इसमें आपको सब कुछ देखिए, इसमें डेट भी डाल सकते हैं, हम तो 26 तारीख को जाना है तो न्यू दिल्ली, तो 26 तारीख को हम डाल दिया। क्योंकि देखिए इसमें देखिए पूरा सॉफ्टवेयर देखिए ऑटोमेटिकली फिल कर गया, क्योंकि इसमें आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। आपको डेट जब दे देखिए, हम पूर्वा में जाना है तो पूर्वा में हम क्लिक कर रहा है, क्योंकि चेक आउट कर रहा है। देखिए इसमें पूरा सारे देखिए ये इसमें वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा, इसमें पूरा वेटिंग लिस्ट है। तो हमको जाना था 26 तारीख, तो 26 तारीख में तो टिकट वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि हम नेक्स्ट डेट में जाएंगे, तो नेक्स्ट डेट चेंज कर रहे हैं 27 तारीख को। 27 तारीख में आपका दिखाएंगे, 27 तारीख भी वेटिंग लिस्ट में है। तो गाइस 27 तारीख में वेटिंग लिस्ट है, तो बुकिंग नाउ उसमें है, तो आप बुकिंग करने से बाद आपका टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका बुकिंग नाउ ऑप्शन देगा, किंतु बुकिंग करिए तो आपका वेटिंग लिस्ट निकल जाएगा। इसमें वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद आपको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कंफर्म सीट लेना है तो आपको देखना पड़ेगा अवेलेबल है कि ना। तो चलिए हम उसको देख रहा आसनसोल, फिर एक बार देख रहा नेक्स्ट डेट में, तो इसमें है कि ना, नहीं इसमें भी नहीं मिल रहा, तो चलिए फिर भी नेक्स्ट करके देख रहा हूँ, तो नेक्स्ट करके देख रहा, तो इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी वेटिंग लिस्ट है, 38 वेटिंग लिस्ट में है, तो नेक्स्ट करके देख रहा है अभी। तो हमको तो जाना था पहले 26 तारीख को, तो 26 तारीख को तो नहीं मिला, तो देखता हूँ नेक्स्ट डेट करके कब मिलेगा पूर्वा गाड़ी में। तो पूर्वा गाड़ी में आप तो देखिए मेरा पास तो अभी 30 तारीख तक देख लिया, 26 से 30 तक तो अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी देखिए एक तारीख में देख रहा है, एक तारीख भी नहीं मिल रहा। तो इसमें आपको नेक्स्ट डेट दूसरा हम गाड़ी में हम देखेंगे, दूसरा ट्रेन में हम देखेंगे, तो दूसरा ट्रेन में मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको तो इस महीने में आपको नहीं निकल सके, तब तत्काल में निकलना पड़ेगा, क्योंकि तत्काल टिकट बहुत मानने से बाद कंफर्म नहीं निकलेगा। तो इसमें भी देखिए पुनः वेटिंग लिस्ट में हम 6 तारीख तक देख लिया, तब भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हम इसमें दूसरा ट्रेन हम देखेंगे। तो चलिए गाइस इसमें भी 26 वेटिंग लिस्ट में है, तो हमको तो जाना था बहुत जल्दी, 26 तारीख को जाना था, तो हम 8 तारीख 10 तारीख तक देख लिया था, अभी नहीं मिल रहा। तो चलिए हम दूसरा ट्रेन में देख रहा, हाँ दिल्ली कालका मेल में देखेंगे, चलिए दिल्ली हावड़ा दिल्ली कालका मेल में हम फाका है 6 तारीख में। तो गाइस हम 6 तारीख को बुकिंग करेंगे, तो कैसे बुकिंग करेंगे आपको दिखाएंगे, जो ई बुक नाउ है जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए इसमें कुछ प्रोसेसिंग है, यू हैव दिस हैव द आसनसोल न्यू दिल्ली, इसमें आप ओके कर दीजिए। तो ओके करने के बाद देखिए आपका पूरा चार्ट खुल गया, तो खुलने के बाद देखिए यहाँ पर जाइए, आप नाम डाल दीजिए, इसमें एज डाल दीजिए, इस जेना आपका मेल ना फीमेल इसमें डाल दीजिए, इसमें आपका चार्ट आएगा, लोअर बेड लेंगे ना मिडिल ना अपर, तो आपको जो कुछ भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें और नीचे ऐड में जाइए तो और नाम खुल जाएगा, आपको एक आईडी में 6 टिकट बना सकता है इसमें, तो इससे नीचे और ऑप्शन भी है, तो चलिए उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमको इसका नाम भरना पड़ेगा। तो चलिए हम नाम भर के दिखा रहा हूँ, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे बुकिंग आपको करना चाहिए, तो आप इसमें देख के आपका कर सकते हैं। तो चलिए हम नाम भर रहा हूँ, हम नाम तो भर दिया, एज भर रहा, मेरा एज है 25,
तो इसमें 25 मेल है, तो इसमें लोअर बेड लेंगे तो अच्छा होगा। तो गाइस इसमें देखिए मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, तो इसमें आपका इमेज भी इमेज डाल सकते हैं, इसमें इमेज ऑटोमेटिकली शो कर जाता है, तो इमेज डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म बुकिंग में जा सकते हैं, तो इमेज डालने के बाद कंफर्म बुकिंग में आप चल जाइए। देख कंफर्म बुकिंग में आपको चला गया, उसमें कुछ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप पूरा रिसीव आ गया ऑलरेडी, तो इसमें रिसीव बुकिंग डिटेल्स आ गया आपका, पूरा आसनसोल से हम जाएंगे न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली का आ गया, तो देखिए नाम भी सिलेक्ट हो गया। तो चलिए इसको हम इसमें हम आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग आपका बीम से आप पेमेंट भी कर सकते हैं हम, तो चलिए नेट बैंकिंग से हम पेमेंट करेंगे। नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद आपको, तो नेट बैंकिंग पेमेंट करने के बाद आपको ये सब जो है आपका स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, यूनिटी बैंक, पंजाब बैंक, आपका HDFC बैंक, आपका जो कुछ भी आपका बैंक का कनेक्ट है आपको उसमें क्लिक कर दीजिए। हेलो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, RCTC साइड है, तो और इसमें आपका कुछ कमेंट बॉक्स कमेंट करना है तो ज़रूर कर सकते हैं, हम उसको आपको पास जानकारी दे सकेंगे। चलिए गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अनदर अपडेट।